वेल हाई लवली लेडीज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन साइड कॉस्मेटिक्स की न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स दीज आर इन साइट स्टे मैट लिप कलर एक और रेंज इसमें जो है वो लॉन्च हुई है रिसेंटली उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आप मेरे चैनल के ऊपर आने वाली है सो स्टे ट्यून फॉर दैट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए जब भी मैं अपलोड करूँ तो इनके स्वाचेज और रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मैंने जो शेड लगा रखा है वो इन में से ही एक लगा रखा है दीज आर सो गुड लिपस्टिक्स गाइज तो चलिए फटाफट से इसका रिव्यू स्टार्ट करती हूँ पैकेजिंग वगैरह सब कुछ आपको दिखा दूंगी तो चलिए फटाफट से इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं सो so गाइज इसका आउट ऑफ पैकेजिंग कुछ इस तरह का है काफ़ी क्लासी लग रहा है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट जैसे आपको रिसीव होता है उस तरह का पैकेजिंग है ट्वेल्व मंथ तक ये ओपन होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो ये जो ट्वेल्व एम लिखा होता है ना इसका मतलब यही होता है लेकिन एक्सपायरी वगैरह इसकी जो है वो अलग होती है जैसे कि आप देख ही सकते हो टू ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में मिल रहा है ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी सिक्स आप इसको यूज़ कर सकते हो ईयर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन की गई है तो आप क्लियरली पढ़ सकते हो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एवरीथिंग टॉक्सिक फ्री है वीगन है सो या ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ मैंशनड ओवर हेयर और ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स लगी मुझे कंपेरेटिवली थोड़ी थिक लगती है मुझे बीच बीच में कुछ शेड्स जो हैं वो थिक हैं और कुछ बहुत ही अच्छे हैं बट सारे के सारे आफ्टर एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी स्मूथ फिनिश देते हैं इन पैकेजिंग की बात करूँ तो जो नो स्मज वाली आई है ना वो वैसी ही पैकेजिंग है जस्ट ये आपको स्क्वेयर पैकेजिंग में मिलती है बाकी इसका जो डबल कलर है वो बिल्कुल सेम है नो स्मज वाली से नो स्मज वाली भी आ रही है उसकी वीडियो भी नेक्स्ट आएगी तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिस इज़ द वेरी प्रिटी शेड जैसे कि मैंने आपको दिखाया uh, बहुत सुंदर पी बहुत सुंदर पीची पिंक शेड है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था ये मुझे और ये ना लग लगाते टाइम थोड़े से ऐसे लगते हैं चटक सा लग रहा था यू नो आई एम फेयर टू मीडियम मीडियम टू फेयर बट ये लगाते टाइम मुझे ऐसा लगा था जैसे थोड़ा चटक है लेकिन बाद में ये इतना सुंदर सटल डाउन हो गया बहुत अच्छा कलर ये लग रहा था उसके बाद वन स्वाइप एप्लीकेशन है एक ही बार लगाने पर आपके सारे लिप्स जो है वो कवर हो जाते हैं एक ही डिप में आप देखो ये कितना लाइट वेट सी लग रही है लिप्स के ऊपर हल्की सी चिपकती है जब स्टार्टिंग में आप इसको लगाते हो बिल्कुल हल्की सी इसका चिपकना मुझे ना मार्स की जो सबसे पहले लिक्विड लिपस्टिक लॉन्च हुई थी ना वैसा सा कुछ लगा मुझे इसका चिपकना लेकिन वो थोड़ी देर में वो चीज़ चली जाती है तो आप देखो ये हल्का सा ये ट्रांसफर नहीं होती बच नहीं होती है ये देखो ये जो शेड है ना ये हल्का सा स्टार्टिंग में हो रहा था ऐसे वो भी मैंने बहुत धीरे से करा था तो चिपक रहा था अदरवाइज नहीं चिपकता ट्रांसफर ये बिल्कुल भी नहीं होती है, आप देख सकते हो इनर साइड थोड़ा गीला होता है बिकॉज ऑफ आर स्लाइवा uh, तो उसकी वजह से ये हल्का फुल्का uh, हो रहा था अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं होती वेट वाइप से आसानी से ये निकल गई थी स्टार्टिंग में आफ्टर टू थ्री आवर्स थोड़ा टाइम लगेगा इसको uh, होने में लेकिन स्टार्टिंग में तो ये इस तरह से ही आपसे निकल जाएगी वेट uh, वाइप से ही ठीक है तो ये है जो सारे टेस्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं <laughs> उतार के भी दिखा दी और ट्रांसफ़र टेस्ट भी हो गया तो सब बाकी के शेड्स आगे देख लेते हैं इसके कौन कौन से शेड्स मैंने ख़रीदे हैं सो शेड नंबर एट मैंने लिया था चेज़ हाई इट इज़ ऑल्सो आ पीची शेड गए बहुत सुंदर शेड है इसका ना स्टिकर नहीं आया था नीचे तो इसीलिए मुझे कार्डबोर्ड वाला दिखाना पड़ा तो मुझे इसको पैकेजिंग में ही रखना पड़ेगा ताकि मुझे इसका शेड याद रहे इन केस मुझे फ्यूचर में भी आपको ये दिखाना है तो मुझे इसका पैकेट रखना पड़ेगा ये भी शेड स्टार्टिंग में चटक लगा था बट आप बाद में देखना ये इतना सुंदर लग रहा था आई जस्ट लव दिस शेड ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है अमंग ऑल ऑफ थीज जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो पे लगा रखा है वो शेड नेक्स्ट आएगा तो आप वो भी देख लीजिएगा अब इनकी फिनिश देखो काफ़ी ग्लॉसी लगती हैं ये स्टार्टिंग में हालांकि हा, बाद में ये मैट हो जाती हैं लुक एट दिस दिस इज़ औरेंजी पीची शेड राइट सो दिस ये थोड़ा डिफरेंट सा है एक होते ना जो कूल अंडर टोन में होते ये न्यूट्रल अंडर टोन का है इट इज़ नॉट कूल अंडर टोन का पीची शेड विच आई रियली लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेड ठीक है बहुत अफोर्डेबल है लगा इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं पता ये कैसे ये दे रहे हैं सेवन ड्रीम बिग इट इज़ द शेड विच आई एम यूजिंग इन माई इंट्रो ये मैंने लगा रखा है ठीक है बहुत सुंदर सा ये शेड है कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है आ, बहुत ज़्यादा डस्की अगर आपका स्किन टोन है तो शायद ये आपके ऊपर ना जाए बट ये सारे ही शेड ना आगे जा कर के सटल होते हैं जब ये मैट होते हैं तो सटल हो जाते हैं सो तो आपको उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है फाइन लाइंस में बिल्कुल नहीं जाते ये वाले शेड बिल्कुल भी आपके लाइंस में सेटल डाउन नहीं होते हैं बहुत अच्छा लगता है इनका फिनिश ठीक है हल्का फुल्का स्टार्टिंग में चिपकता है वो मैं आपको पहले से बता रही हूँ बाद में बहुत कंफर्टेबल हो जाती है जस्ट लाइक दैट मार्स लिक्विड लिपस्टिक सेम चीज़ लगी मुझे और यस uh, yes, इनके कंसीलर्स का भी रिव्यू मैंने किया है इन केस यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी पिछली वीडियो मैंने वही किया है नोस कंसीलर का मैंने रिव्यू किया है आप मेरी वीडियो देख एंड यस दिज आर द स्वाचेज हैंड स्वाचिज़ ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है सिम्पली ब्यूटिफुल इट इज़ अ वेरी प्रटी शेड गाइड यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस शेड दिस इज ऑरेंज दिस इज मरून दिस इज रेड सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दिस कलर्स विच आई डोंट हैव आई डोंट हैव दिस कलर ठीक है मेरे पास ये कलर शेड पहले नहीं है ऐसा कलर कोई नहीं है मेरे पास आई जस्ट लव दिस शेड मैं इसको चार पांच बार अप्लाई कर चुकी हूँ आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो और मैंने ये शाम तक लगा के भी रखा था सो आई लव दिस इसका आप ये देखो ना इसका ये कि, कि, कितना सुंदर सा टेक्स्चर लग रहा है इसका सो गई आर द लिपस्टिक आई होप आपको ये लिपस्टिक्स बहुत पसंद आई होंगी बहुत अफोर्डेबल है सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल गई है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि आने वाली है इनसाइड कॉस्मेटिक्स के कंसीलर्स पे जो कि न्यूली लॉन्च हुए हैं ये वाले सो so गाइज उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल बटन को हिट करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए सो गाइज दिस इज दीडियो आई सी यूर माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय लव यू